आज अब फॉर्जिंग सेक्टर से बिलोंग करने वाली कंपनी जो अपने क्वार्टरली रिजल्ट को 28 अप्रैल को अनाउंस करने जा रही है, और रिजल्ट के साथ 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 यहाँ पर डिविडेंड और क्वार्टरली नंबर्स भी आते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पे डिविडेंड का अनाउंसमेंट भी इस कंपनी में देखने को मिलेगा। तो कंपनी के चार्ट का एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस भी हम यहाँ पे करने वाले हैं, ताकि आने समय में ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या आ सकते हैं, रिजल्ट में हम स्टॉक को किस प्रकार से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसी पूरी जानकारी आपको आज के वीडियो में देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं उस कंपनी को हमने एंजेवन एप्लीकेशन में मार्केट वॉच पर एड करके रखा है। जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं इस कंपनी का नाम है रामकृष्णा फॉर्जिंग। यह कंपनी का शेयर प्राइस अभी 304 पर ट्रेड कर रहा है। यह कंपनी अपने क्वार्टरली नतीजे का अनाउंसमेंट साथ ही डिविडेंड का अनाउंसमेंट यहाँ पे 28 अप्रैल को करने जा रही है। जैसे ही स्टॉक में कोई अच्छी खबर आती है या अच्छा खासा डिविडेंड का अनाउंसमेंट आता है, तो डिविडेंड के अनाउंसमेंट के बारे में आपको इसके रिकॉर्ड डेट, लास्ट बाय डेट कब रहने वाली है, उसकी जानकारी आपको अगले की वीडियो में बताएंगे। तो अगर ये न्यूज़ पॉजिटिव आती है तो इसमें हमें अच्छे खासे अपसाइड के मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर हम स्टॉक का चार्ट का एनालिसिस कर लेते हैं। चार्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा किस समय रामकृष्णा फॉर्जिंग का चार्ट किस प्रकार से मूवमेंट कर रहा है। तो यहाँ पर देखने को मिलता है कि ये जो चार्ट है एक अपसाइड इसने लगाया, और यहाँ से हमें अगर देखते हैं इसमें तो स्टॉक में जो वन शॉट तेजी बनी थी, इसके बाद 30 जो 307 का जो लेवल है, ये 307 का जो लेवल है काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर ये लेवल होल्ड कर लेता है, 313 का होल्ड लेवल, इसके बाद एक और ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है। ये लेवल पार होने के बाद स्टॉक में हमें और ज़्यादा अपसाइड की रैली देखने को मिल सकती है। स्टॉक में 320 से लेकर 330 तक के हमें अपसाइड के लेवल स्टॉक में आते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट यहाँ पर 306 का बना हुआ है, और ये अपने सपोर्ट के नीचे ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। अगर सपोर्ट ये ब्रेक करता है और इसके नीचे सस्टेन करता है तो वापस हमें स्टॉक में 300 से लेकर 280 तक के इस स्टॉक में, या 285 तक के इस स्टॉक में हमें सपोर्ट देखने को मिल सकते हैं। साथ ही एमएसडी में यहाँ पे हमें पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिल रहा है। स्टॉक में बेस्ट लेवल जो बनता है, अगर हम यहाँ पे देखते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करके, तो जहाँ से स्टॉक ने एक मोमेंटम दिया है, जहाँ से डाउनफॉल दिया है जो 370 के आसपास का बनता है, अगर ये लेवल पार होते हैं तो स्टॉक में हमें अच्छे खासे अपसाइड के लेवल देखने को मिल सकते हैं। वहाँ पे सपोर्ट की हम बात करें तो सपोर्ट में हम देखते हैं कि स्टॉक अगर 302 के लेवल के नीचे स्लिप होता है तो हमें स्टॉक में कमजोरी देखने को मिल सकती है। इन सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे स्टॉक में बाय और सेल की पोजीशन बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए अगर स्टॉक ऊपरी रेजिस्टेंस जो 317 के है इनको पास करता है तो हम यहाँ पे बाय की पोजीशन बनाएंगे। यहाँ पे बाय करने के लिए जैसे कि हम 1 क्वांटिटी बाय करना चाहते हैं, एक क्वांटिटी हमें मिलती है 306.75 में, बाय ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ऑर्डर को कन्फर्म करेंगे, और अभी मार्केट बंद है इससे हमारा ऑर्डर जो आफ्टर मार्केट लगेगा, हम यस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और हमारा ऑर्डर यहाँ पे लग जाएगा। आपको देखने को मिलेगा कि हमारा ऑर्डर जो है ये पेंडिंग में आ चुका है। अगले दिन जैसे मार्केट खुलेगा और जो प्राइस पे हमारा स्टॉक परचेज होगा तो हमें यह पोजीशन में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इतना इजी, इतना आसान हो जाता है एंजेवन एप्लीकेशन में ऑर्डर को लगाना और यहाँ पर ट्रेडिंग करना। अगर आपके पास डिमेट अकाउंट नहीं है एंजेवन का, तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से आज आप अपना डिमेट अकाउंट ओपन कीजिए। अगर आप हमारे लिंक के माध्यम से अपना डिमेट अकाउंट ओपन करते हैं तो आपका डिमेट अकाउंट बिल्कुल फ्री में ओपन होगा, साथ ही आपको बनी के एमसी चार्जेस बिल्कुल फ्री में रहने वाला है, और बेस्ट ऑफर्स की अधिक जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, ताकि स्टॉक मार्केट से जुड़ा हर लेटेस्ट अपडेट आपको समय समय पर मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्कार।